हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ FST 01 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आप सबसे पहले तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिया गया। फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2020। और दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं, वो भी अपना यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक वैध। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, सो दैट आपको टाइम पे इग्नू की तरफ से जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन या नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उनकी जानकारी आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स। आप डाउनलोड्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों एक ऑप्शन असाइनमेंट्स, आप इसे भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे इग्नू की तरफ से जितने भी कोर्सेज करवाए जाते हैं उन सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, इसे यहाँ पे लेटेस्ट 5 फरवरी को अपडेट किया गया है। सो दोस्तों, अभी जो FST 01 का क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको जो बैचलर्स डिग्री के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें BSc को चेक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे ये दिया हुआ है BSc इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम। अगर दोस्तों आप इंग्लिश को क्लिक करते हैं तो जो इंग्लिश का FST 01 का क्वेश्चन पेपर है उसके लिए पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी के जितने भी BSc वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पेज ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, पहले इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी BSc के सब्जेक्ट हैं उन सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट किए गए हैं। इन्हीं में दोस्तों सबसे ऊपर दिया हुआ है FST 01 फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है इंग्लिश 2020। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आपको फ्रंट पेज में ही यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है, इट इज़ कंपल्सरी टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर फिलिंग द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले अपने असाइनमेंट्स अपने अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवाना अनिवार्य होता है। दोस्तों, इसी के सेकंड पेज में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। और दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए आपको यहाँ पे हिंदी को क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो जो भी BSc वाले असाइनमेंट्स हैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन पेपर, उनके लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी लिखा हुआ नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे 2020 को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, ये है आपका हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे भी आपके लिए नोट लिखा हुआ है, सत्रांत परीक्षा फॉर्म भरने से पहले सत्रीय कार्य जमा करना अनिवार्य है। दोस्तों, आप यहाँ पे दूसरे पेज में अपने लिए निर्देश देख सकते हैं। इसके बाद में ये है आपका प्रश्न पत्र। दोस्तों, आपको ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने अपने स्टडी सेंटर में जमा करवाना होगा। दोस्तों, असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं या फिर असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। असाइनमेंट्स बनाने के लिए पूरे तरीके मैंने बताए हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन मुझसे खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर मैंने अभी आपको दिखाए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इन दोनों के लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी इन्हें क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।